लखनऊ के नाका क्षेत्र के एक कॉम्प्लेक्स में मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में कल शाम को भीषण आग लग गई। पहली मंजिल पर बनी दुकान में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों को लगाया गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। थाना नाका लखनऊ के ब्रजेश द्विवेदी ने बताया कि प्रीत मार्केट में मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। नाका थाने के अंतर्गत अंबर मार्केट है, यहाँ एक मोबाइल शॉप में आग लगी थी। तो जैसे सूचना मिली तो हमारे जो फायर टेंडर्स और लोकल थाने आके यहाँ आग को बुझा दिया गया है और काबू पाया गया है। स्थिति कंट्रोल में है और आग के कारण क्या है इसका अभी जांच पड़ताल चल रहा है।